गोरखनाथ स्थित एक स्कूल में एनडीआरएफ की टीम द्वारा स्कूली छात्रों को प्राकृतिक आपदा से बचाव की जानकारी दी गई। टीम के लीडर द्वारा बच्चों की भूकंप जैसी अन्य आपदाओं से बचाव की जानकारी मॉक ड्रिल के माध्यम से दिया गया। छात्रों को बताया गया कि अचानक अगर भूकंप का खतरा नजर आता है तो वे एक सीमित जगह पर ही रुके और अगर छत पर है तो नीचे उतरने के लिए सिर्फ सीढ़ी का सहारा लें, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य अनिता चौरसिया ने कहा, वृद्धि विद्यालय जो चरमाओं ब्लॉक में वहाँ पे स्थित है, तो फिर टाइम पे कम से कम समय में हम कोर्स कर सके। अभी एनडीआरएफ का गठन कैसे हुआ आपको बताया था मैं, 2006 में हुआ था, 2006 में तो वो पैरामेट्रिक का नाम सुना है आपने, कितने लोगों ने पैरामेट्रिक का नाम सुना है, सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी का नाम सुना है किसी ने? बच्चे लोग आपने कोर्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सुना है नहीं सुना है? तो जो भी पैरामेट्री होते हैं, जो 5 पैरामेट्री होते हैं, उनके जो पर्सन होते हैं, जो खासकर जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो बंदे डिप्रेशन में आते हैं। 5 साल 7 साल का डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन जैसे शेड्यूल कम्प्लीट होता है उसके बाद हम क्या होते हैं, अपने जो पेरेंट लिविंग में फिर से वापिस चले जाते हैं। तो आज का मेन उद्देश्य यह है जो इस स्कूल सेफ्टी का, कि आपको डिजास्टर के बारे में बताना ही बताना है, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा डिजास्टर जो आता है तो हमको प्रशासन से या सावधानी क्या क्या लेनी चाहिए। पीछे नहीं आ सकते क्योंकि आपका दरवाजा अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपका 2 डोर है। आप जितने भी क्लास एक बार नजर देख लें, 2 डोर है तो परफेक्ट है मेरे हिसाब से। पॉसिबल नहीं है कि वहां से आप 3 मिनट या 4 मिनट में नीचे आ जाए, और नीचे आएंगे तो कहां जाएंगे? यहां पे अगला सवाल वही रहना है। अर्थ क्वेक अपने आप में एक आपदा है क्या? अर्थ क्वेक अपने आप में एक आपदा है, हाँ या ना कैप्टन? आपदा है, आपदा है, सही बोल रहे हैं उसको। और जो क्रिटिकल आपदा हमने बना दिया, अगर मान लीजिए हमने बिल्डिंग बनाया है, अगर बिल्डिंग में प्रॉपर बीम या कॉलम के इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रॉपर अगर बिल्डिंग में बीम या कॉलम के इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपदा हो जाएगा। जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपका प्रॉपर बीम भी है और कॉलम भी है कि नहीं है? तो ये अगर अर्थक्वेक आता है तो एक बार हो सकता है कि ये गिरे ना। कभी भी अर्थक्वेक आता है तो सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपदा आने या अर्थक्वेक आने पर हो सकता है कि आप सभी के सभी भागने लगे और छोटे बच्चे उससे प्रभावित हो जाए। कई स्कूल में देखे हैं, एक हम वहाँ गए थे स्कूल में, एनडीआरएफ की तरफ से ये प्रोग्राम दिया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक स्कूल का ये उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका शारीरिक बौद्धिक मानसिक भौतिक हर प्रकार का विकास हो, वे बच्चे फ्यूचर में आने वाली सभी दुर्घटनाओं के लिए सचेत रहें और उनका सामना करने के लिए उनके पास बौद्धिक शक्ति भी हो और शारीरिक शक्ति भी हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज सरकार की तरफ से एनडीआरएफ के द्वारा बच्चों को भविष्य में या कभी भी आने वाली दुर्घटनाओं डिजास्टर के बारे में, जैसे कि भूकंप है, फ्लड है, बाढ़ है, इस तरह की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्वयं व अपने आसपास के वातावरण को बचाने के लिए इस तरह की जानकारी दी जा रही है।